वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज है 25 नवंबर। तो आज हम थोड़ा बाहर जाने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है। यश बहुत ज़्यादा, हमारा आज कोई प्लानिंग नहीं था कहीं जाने का, कल का प्लानिंग था, लेकिन सबके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे मेरे कज़िन के कि तुम कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, दोनों अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना। हम सब बहुत इन्जॉय कर रहे हैं लेकिन कहीं कहीं कमी रह जा रही है। तो आज हम जाने वाले हैं खेड़ा। तो अभी मैं सारी पैकिंग कर लूँ फटाफट, क्योंकि मैंने ना पैकिंग की है, मुझे अभी सलून भी जाना है, बहुत सारे काम है कुल मिला के, क्योंकि मैं कल के भरोसे थी कि कल जाना है, इसलिए आज सारा काम कंप्लीट करके और शाम को निकलना भी है। तो अभी मैं कर रही हूँ पैक। तो ये देख सकते हो रूम की हालत कितनी गंदी है। सुबह सुबह मैं बिना कुछ काम के एक बार पैकिंग करने आ गई हूँ, तो मेरे कपड़े तो ऑलमोस्ट पैकिंग होने आ गए, लेकिन यश के कपड़े पैक करने बाकी है। कंप्लीट हो गई है और मैं आ गई हूँ अब नीचे। किचन का काम पड़ा हुआ है, बहुत खतरनाक कंडीशन है किचन की, तो फटाफट अब किचन का काम कर देती हूँ। इसके बाद मुझे जाना है ऋषभ देव, जैसा मैंने आपको बताया था मेरा सलून भी जाना बाकी है, तो आज जाना है ऋषभ देव मुझे। तो जल्दी जल्दी मैं किचन का काम एक बार कम्प्लीट करती हूँ, फिर ऋषभ देव का प्लान होगा। लगता नहीं है क्योंकि यश तो अभी तक ना। यश कितना टाइम है, है? नाते गाना गा रहे, इनके कोई ठिकाने नहीं है, ये कभी भी फिर बोल देंगे चलो अब निकल जाते हैं। इससे पहले मैं ये सारा काम कंप्लीट कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बहुत कंडीशन खराब है किचन की, तो जल्दी से इसको क्लीन करके खाना बना के मिलती हूँ आपसे। ऋषभ देव छाते रहे। फाइनली गाइस, खाना कंप्लीट हो गया है हमारा, क्योंकि इतने जल्दी में इसलिए व्लॉग शूट कर ही नहीं पाई। मैं खुद भूल गई, मैं यश के आने से पहले यश खाना खाने बैठ गई थी, क्योंकि भूख भी लग रही थी, बज गई है 12:30। तो अब ऋषभ देव के लिए जो भी पार्सल ले जाने हैं वो ले लेते हैं। ये दीदी का पार्सल और कुछ मासी का भी पार्सल, मासी का पार्सल है। तो अब जाते हैं जल्दी जल्दी ऋषभ देव, सबका एक बार पार्सल दे देंगे, फिर दीदी के सलून में मेरा थोड़ा काम है तो वो करवा के जल्दी जल्दी आना है कुल मिला के, क्योंकि एक हाथ में मेहंदी तो मैंने लगा दी थी कल, लेकिन एक हाथ मेरा रह गया है। तो एक बार जाएंगे आएंगे फिर पता चलेगा कि मेहंदी लगेगी कि नहीं लगेगी आज, क्योंकि टाइम 12:30 हो गया, जाते जाते तो टाइम एक हो ही जाएगा। मुझे यूँ लगता है कि गाड़ी में बैठते बैठते एक हो जाएगा, क्योंकि यश अब भी गए, कड़ी वाड़ी साफ करेंगे तो टाइम तो हो ही जाएगा। तो मिलते हैं आपसे ऋषभ देव जाते टाइम। मैं आगे इतनी बैठूंगी, लड़ी थी कि तो? ना कुछ नहीं हुआ, लड़ी के कलर में लिखिए तो लाता मैं चेहरे। थोड़े टाइम बाद
फाइनली सलून का सारा काम हो गया है और हम निकल गए वापस कल्याणपुर के लिए। क्या यश पार्सल दिया मासी को? तो आप क्या लिए आपने? यश इतने सारे परफ्यूम रखो। चलो यश कितने परफ्यूम है आपके पास? मेरे वाला भी पड़ा है। उतरना पड़ेगा यार। आज क्या है मम्मी? आज क्या है इनके? समाज में तेड़ो करवा निकली रहेंगे। एक थैली और मम्मी मासी के पार्सल। वाह बस आपने ना मासी खेड़ा जा वो है। अभी आ गए हम घर पे और मैं लगवा रही हूँ भूमिका भाभी के पास मेहंदी। मेहंदी आर्टिस्ट आपका जिसका भी लगवानी। फाइनली भूमिका भाभी ने मेरी मेहंदी लगा दी है तो मेरा एक काम तो हो गया। अब जल्दी जल्दी ये मेहंदी सूख जाए और इसको रिमूव करके मैं जल्दी से खेड़ा जाने के लिए तैयार हो जाऊँ। और सब लोग इतना वेट कर रहे हैं, अभी भी फ़ोन पे फ़ोन चालू है, कब आ रही कब आ रही कब आ रही। लेकिन मेरी सिचुएशन उनको क्या बताऊँ, मेरा सारा काम बाकी था। तो अभी सीधा मिलते हैं अब तो आपको खेड़ा जाते वक्त ही, क्योंकि अब मेहंदी वेहंदी सूखेगी नहीं तब तक तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। तो मिलते हैं आपसे खेड़ा जाने के बाद। तैयारियां हो गई है हमारे। एक ये रहा दोनों है हा? और ये बेग हमारे। कितने दिनों के लिए जा रहे अपन? दो दिन के लिए भेजे तो इमरजेंसी माना पड़ेगा। मजा आ गया नहीं आपका तो? शादी के बाद फंक्शन ही फंक्शन। मैं सूटकेस में ले लेती हूँ ठीक है। हाँ रख दिया। माथे पे उड़ा हुआ नहीं। मेरे जैकेट लेना रह गया। एक मिनट में यहाँ सारा रख के फिर जाती हूँ। रख दिया यहाँ पे। की तरफ फिर इस बार मैं मेरा कुछ सामान लेना भूल गई। कुछ में मेरा जैकेट ही भूल गई हूँ लेना। तो अभी जल्दी से मैं ले लेती हूँ वरना यश का बुलावा आ जाएगा। तो मैंने मेरा जैकेट ले लिया। अब जाती हूँ मैं बाहर। आगे रखते हैं क्या? ये आगे। हाँ बराबर है वहाँ। बंद है गाड़ी लोग का? वाह। ओके। निकाल दो गन के ना। देख के वाह। हाँ वाह। देख सुना आते हैं जजू। देख लो गन सही। बिल्कुल। हाँ शांति है वहाँ। वाह पापा। ठीक है सब। तो गाइज अभी ऐसा हुआ कि रोमिल का फोन आया था कि वो क्या सुबह मैंने मम्मी को बताया था कि हम लोग जाने वाले खेड़ा, लेकिन उस टाइम ये कॉलेज गया हुआ था। तो इसको आके पता चला होगा कि दीदी और जीजू आने वाले, तो वो इतना खुश हो गया। तो उसने मुझे फोन किया कि कब आ रहे हो आप, मुझे बात मिली आने वाले हो। तो यश ने बोला कि उसके साथ प्रैंक करते अपन कि हम नहीं आ रहे, हम कल आने वाले। तो वो अभी बहुत नर्वस हो गया है और हम खेड़ा के बिल्कुल करीब ही हैं। अब बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। अब वो कैसे रिएक्ट करता है हमको देख के वो यश, इंतज़ार है उस चीज़ का कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। यश अभी ड्राइविंग कर रहे हैं, बहुत सीरियस है क्योंकि एक गाड़ी वाले ने इनका बहुत दिमाग खराब कर दिया। कब से साइड ही नहीं दे रहा था। तो देखते हैं अब ये प्रैंक कैसा होता है। उसको पता नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं। अब हमको देख के वो कैसे रिएक्ट करता है वो जाके ही पता चलेगा।
आपका फोन मेरे पास है, बाकी प्रसाद ये निकाल लिया और तो कुछ नहीं निकाल, कुछ निकालना अपने कैसा लगा तेरे को मजाक सही समझा नहीं तू, हम नहीं आने वाले हैं, डायमंड हो भी सकती है अपने तो क्या हमने तेरे को प्रैंक किया था जिया जी आ गए, विश्वास नहीं हो मैं ला के दिया जोली करी मेहंदी आर्ट, जोली कैसे है, नैंसी कैसे है, लगा दी आपके भी ये ड्रेस तुम्हारा निकाल दिया आपने, हाँ बढ़िया है रोबिल मजा आया तेरे को, रोबिल घबराई क्यों, आप तो नहीं एकदम आती अभी के तो फाइनली गई, जैसे ही घर पे आई इतना सारा काम कि क्या बताऊं मैं, ये देखो मोहतरमा बैठे हैं मेहंदी लगाने के लिए हिमांशु जी के चप्पल और जोली सुबह से बिचारी आई तब से मैं यही काम देख रही हूँ, मेहंदी लगा रही है हिमांशु जी के चप्पल हिमांशु जी के चप्पल ये कहीं आपको मार्केट में मिल जाए तो इनको इसी नाम से पहचानना है, ले बता मेहंदी मैं ये मेहंदी लगा रही हूँ इसके बस हो गई। तो खेड़ा आके इतना सारा काम क्या बताऊं मैं तो बहुत थक गई हूँ, इन लोगों ने और इन लोगों ने कहा गए जीना हराम कर दिया, तेरी मेहंदी बता दे चल मैंने कैसी मेहंदी लगाई भी दिखा दो ने पीछे कर हाँ पास में रख, सो फाइनली कंप्लीट कृष्णा बहन खकरा वाले। तो फाइनली गाइस मेरे जोली का खाना हो गया है, जोली चली गई है बड़ी दादी के घर, मीन झील के घर, झील को तो आप जानते ही हो, जैसे लास्ट बार वाले व्लॉग में हम जनपद गए थे मेरे सारे कजिन और मैं, उस टाइम उसने व्लॉगिंग की थी वही झील है, तो अभी मैं जा रही हूँ झील के घर और झील के घर बिल्कुल चमक गया, जोरदार का डेकोरेशन हो गया और सब इतना इंजॉय कर रहे जिसकी कोई हद नहीं, तो मैं बता देती हूँ आपको डेकोरेशन तो ये वो करी जो बातें क्या बातें कर रहे हैं आपके की है, हम तो अभी है ना बस स्टैंड जाने का सोच रहे थे, चलो बन गया हमारा वड़ा पाव खाने का, तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड खेड़ा में वड़ा पाव खाने जा रहे हैं। ए जिनल जी जी नब्बा दो, अरे आ गए कौन जिनल जी जी आपको पता है वो मंचूरियन वाली अभी आएगी मैं उससे मिलाती हूँ, जोजू वाली बुट्टा 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 तो अभी वो लोग भी आने वाले हैं, तो आप सोच सकते हैं आज कितनी धमाल होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है, कृष्णा दो दिन से कितने मजे कर रहे हो आपके बिना, ज्यादा मजे नहीं आए, आज आएंगे तो आज तो हम सब वो वाला डांस करने वाले जो तनिषा की शादी में किया था, तो तनिषा भी आने वाली है। फाइनली गाइस जोली की भी मेहंदी लगा दी हमने और अभी सब गीत गाने वाले वगैरह हैं, इसके बाद वो लोग आएंगे, नहीं वो लोग जाएंगे क्या बोल रही हूँ मैं भी इनके बातों के चक्कर में, दोस्त बारह के बुआ बस बढ़िया हाँ, तो ये सब लोग जाएंगे, इसके बाद हमारा होगा डांस चक्का सबको दिखाएंगे हम, और अभी हम जा रहे हैं विजू जिया जी के पास, और ललित चाचू हमारे लोग में आओगे आप, ऐसे क्या करते हैं बताते नहीं आप, हाँ बिल्कुल तो यश और हम सब जा रहे हैं अभी विजय जिया जी के पास, तो जाके मिलते हैं उनसे एक बार, तो यहाँ पे सब कर रहे हैं घड़ों पे लसे बांधने की प्रिपरेशन, दोनों एक जमाई और एक जीजू दोनों हमारे कर रहे हैं धागे की कटिंग, और यहाँ पे हो रहा है लसा बांधने की तैयारी। हाय गाइस, हाय गाइस, टेंशन में
फोन गिर गया इस बात के स्क्रीन डायरा मोटा डोज ली रही है स्क्रीन गई है। रात की बात की ठीक एक और अभी ब्लॉग एडिट करके मैं हो गया फ्री। तो आज के ब्लॉग को करेंगे यही समाप्त। आशा करता हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ब्लॉग का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो जरूर बता देना। और बस अभी ड्रेस चेंज करेंगे और सोएंगे और मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में।